अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है मॉडलिंग स्क्यूड कॉरिडोर इन सिविल 3D, स्क्यूड कॉरिडोर विद सिंगल बेसलाइन। अगर आपके पास कोई कॉरिडोर है जिसमें आपको स्क्यूड पे उसको ट्रिम करना है या ब्रेक करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो टेंजेंट पोर्शन में भी हो सकता है, वो कर्व पोर्शन में भी हो सकता है, तो इसको हम बड़ी डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। यहाँ पे आप मेरे पास प्लान व्यू में ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पे ये अलाइनमेंट है और ये इसका प्रोफाइल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये तीन टाइप के मैंने असेंबली बनाए हुए हैं, एक फुल सेक्शन है और एक राइट है और एक लेफ्ट का सेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्यूड कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पे जब आपको स्क्यू में कॉरिडोर में गैप रिक्वायर्ड हो तो आप उसको स्क्यूड में कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये हम देखेंगे इसमें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपने ये जो स्क्यूड वाली आपकी पुली लाइन है इनको आपने अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंटर, मैं इसको वन का नाम देता हूँ। ओके, एक अलाइनमेंट बन गई है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास फिर अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एंटर एंटर, और यहाँ पे मैं इसको टू का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दो अलाइनमेंट बन गए हमारे, ये हमारा टेंजेंट पोर्शन था। अभी हम कर्व में भी इसको ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी मैं अलाइनमेंट बना देता हूँ और इसको मैं T3 का नाम दे देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये अलाइनमेंट लास्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये पोली लाइन थी, इसको हमने अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है और इसको मैं T4 का नाम दे देता हूँ। ओके, यहाँ से ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी हमने इसमें अपना कॉरिडोर बनाना है जिसको हमने स्क्यू में जो है ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पैनल में यहाँ पे ये कॉरिडोर का टूल है, कॉरिडोर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे टूल पे यहाँ पे ये आ जाएगा, आप कोई भी इसको नाम दे दें यहाँ पे और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। ओके, यहाँ पे आपने अलाइनमेंट और प्रोफाइल आ गया है, यहाँ पे हमने अपना जो फुल सेक्शन है पहले वो बनाना है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको स्टार्ट, यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग का कुछ भी चेंज दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एंड पे यहाँ तक मुझे ये बनाना है। ओके, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँ मैं 5 करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। ओके, और इसको मैं जस्ट अप्लाई करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके कॉरिडोर हमारा बन गया यहाँ पे। ओके, पैरामीटर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे 0.5। ओके ओके, यहाँ पे ये जो है ये बन गया है। नेक्स्ट जो पोर्शन है, ठीक है, वो हमने अभी इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये जो ऐड रीजन लिखा है इस पर आप क्लिक कर दें, यह हमारा स्टार्ट पॉइंट था और यहाँ पे हमारा जो है वो एंड पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पे भी हमारी डबल असेंबली आएगी फुल, ये वाली जो असेंबली है यहाँ पे। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे अभी टारगेट असाइन करने हैं। तो टारगेट असाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है राइट का टारगेट है, तो राइट में विड्थ टारगेट है हमारे पास। यहाँ पे जो है हमारे पास पोली लाइन है, यहाँ पे ये पोली लाइन है। ओके, इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास जो है यहाँ पे पोली लाइन है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो हमने बाय नेम क्रिएट की थी हम इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, अभी हम इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट कर देंगे और यहाँ पे हमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी में इसको क्रिएट करना है। ओके ओके, रीबिल्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर हमारा बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ तक जो है वो बन गया है। अभी हमने जो है नेक्स्ट कॉरिडोर बनाना है यहाँ पे,
यहाँ पे फिर ऐड रीजन में जाऊंगा मैं, ओके, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओके, और ये मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे मुझे ये राइट साइड में चाहिए, मैं ओके करता हूँ इसको। राइट विथ टारगेट यहाँ पे चाहिए मुझको, यहाँ पे राइट विथ टारगेट में हमारे पास ये फिगर है, ओके, पॉलीलाइन है, ओके, इसको मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पे ये जो है हमारे पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में ये T1 के नाम से है, मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। इसकी मैं फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो है वो एंटर कर देता हूँ, ओके ओके, रीबिल्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कॉरिडोर हमारा यहाँ पे इधर तक बन गया है। इसका हम ऑब्जेक्ट व्यूअर से ऑब्जेक्ट व्यू चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ये यहाँ पे बन गया है, ओके। और अभी अगर आप इसका सेक्शन व्यू चेक करना चाहें तो आप सेक्शन व्यू भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये सेक्शन व्यू है। और यहाँ पे ये जो है मेरे पास एक सैंपल लाइन है, ये सैंपल लाइन है, इसके मैं ये जो अभी कॉरिडोर हमने बनाया है इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन हमारे पास बन के आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप इसको मूव करके देख सकते हैं, जैसे जैसे इसकी विड्थ कम होगी आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन व्यू में ये ऐसे ऐसे चेंज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट इसका रीजन है, नेक्स्ट रीजन के लिए सेम है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, और यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक किया, अपेरेंट इंटरसेक्शन, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है लेफ्ट असम्बली है, ओके, यहाँ पे विथ टारगेट है हमारे पास, ठीक है। तो विथ टारगेट में हमारे पास यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे हमारे पास विथ टारगेट है इसका, ये हमारे पास विथ टारगेट है, ओके, और यहाँ पे ये जो है ये इसका अलाइनमेंट का टारगेट है, ओके, टू एड एड, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम यहाँ पे सेट कर देते हैं मिनिमम पे, ओके, अप्लाई रीबिल्ड, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा बन गया है यहाँ पे। अभी हमने इसमें अपना नेक्स्ट सीजन जो है वो ऐड करना है, नेक्स्ट सीजन के लिए आपने सेम है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। इसमें मैं डबल असेंबली यूज कर रहा हूँ इस दफा। राइट साइड में हमारे पास जो विड्थ टारगेट है यहाँ पे हमारे पास जो है पहले वो अलाइनमेंट है, ओके, इसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये लाइन है, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, ये हमारी राइट साइड का टारगेट था। और अभी हमारे पास लेफ्ट साइड का टारगेट है, लेफ्ट साइड में भी हमारे पास ये सिर्फ पॉली लाइन है, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे ये जो है मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है इसको सेट कर देता हूँ। फ्रिक्वेंसी आपको हर दफ़ा करनी पड़ेगी, जब भी आप रीजन करेंगे, आप कॉरिडोर प्रॉपर्टी से करेंगे तो आपके पास पहले ऑप्शन आ जाती है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास बाद में ये ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हम इस कॉरिडोर का जो ऑब्जेक्ट व्यूअर है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कॉरिडोर हमारा बन गया है। अभी हम इस सेक्शन का जो है वो क्रॉस सेक्शन व्यू चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ये सैंपल लाइन, जैसे जैसे इसकी विड्थ बढ़ रही है वैसे वैसे ये सेक्शन व्यू में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ओके। तो ये फर्स्ट सेक्शन था हमारा, यहाँ पे बन गई है। अभी हमने यहाँ पे क्रिएट करना है यहाँ पे, अभी नेक्स्ट जो है हमने कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ओके, एड रीजन, ओके, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे लाके मैं इसको एंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, डबल असेंबली मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं डबल असेंबली यूज कर रहा हूँ, ओके, फुल लेंथ जो है, ओके। और यहाँ पे ये जो है अभी हमारे राइट और लेफ्ट के टारगेट हैं, तो राइट में हमारे पास भी टारगेट ये है, ओके, और इसी के साथ हमारे साथ ये अलाइनमेंट है, ऐड किया मैंने इसको,
और नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड का टारगेट है हमारे पास, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये सिर्फ लाइन है, पॉली लाइन। ओके, और मैं जैसे इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट कर देता हूँ। ओके, फ्रिक्वेंसी इसकी सेट हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो टारगेट कर गया है यहाँ पे। अभी हमने इसमें जो है अपना नेक्स्ट रीजन ऐड करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट रीजन ऐड करना है। ओके, और ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड की असेंबली चाहिए। ओके, और लेफ्ट साइड में हमारे पास ये लाइन है। ओके, और यहाँ पे ये जो है अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट है हमारे साथ। ओके ओके, ये बन गया यहाँ पे, और इसकी अभी हम जो है वो फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अप्लाई रीबिल्ड। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी रीजन बन गया हमारा यहाँ पे। अभी इसका हम ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बना है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा लास्ट रीजन है। ओके, तो लास्ट रीजन के लिए आपने पहले कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है। ओके, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं ला के इसको एंड करता हूँ। यहाँ पे मुझे लेफ्ट वाला चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये जो है विथ टारगेट है, विथ टारगेट में हमारे पास जो है वो ये पॉली लाइन है। ओके, और इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है अलाइनमेंट टारगेट है, अलाइनमेंट टारगेट में हमारे पास यहाँ पे ये अलाइनमेंट 4 है, और इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, कॉरिडोर हमारा बन गया है। अभी इसकी मैं फ्रिक्वेंसी ऐड कर देता हूँ सेट। ओके, ओके, अप्लाई रीबिल्ड। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी यहाँ पे बन गया है। अभी नेक्स्ट हमारा आखिरी पोर्शन है हमारा यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे ऐड रीजन में चला जाता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक बना देता हूँ, और यहाँ पे मेरी डबल असेंबली ही आएगी। अभी सबसे पहले हमारे पास राइट विथ टारगेट है, राइट विथ टारगेट में हमारे पास पहले ये अलाइनमेंट है, और उसके बाद हमारे पास ये लाइन है। ओके, इसको मैंने ओके किया। लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ ये एक लाइन ही है। ओके, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, और ये फ्रीक्वेंसी जो है अभी हम इसकी ये फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। अप्लाई रीबिल्ड। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर हमारा बड़े अच्छे तरीके से बन गया है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कैसे अच्छे तरीके से बन गया है। अभी हम इसकी टॉप सरफेस बनाते हैं, तो कॉरिडोर को आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे कॉरिडोर। ओके, और यहाँ पे सर्फेस। ओके, टॉप को मैंने यहाँ पे ऐड किया, टॉप लिंक, और यहाँ पे मैं इसकी बाउंड्रीज क्रिएट कर देता हूँ रीबिल्ड। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हम इसको सेक्शन व्यू में पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि ये कैसे बना है। पहले दो रीजन हमने चेक कर लिए थे, अभी हम तीसरे वाले को चेक करते हैं कि इसके सेक्शन कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट रीजन है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने ट्रिम करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये बाउंड्री क्रिएट की हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये बाउंड्री आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ये जो पॉली लाइन हमने रेज नहीं की थी, इनको आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये पॉली लाइन जो है और ये पॉली लाइन जो है इनको आपने आइसोलेट कर लेना है यहाँ पे। जैसे ही आप आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास
अगर यहाँ पे आप बाउंड्री की कमांड दे बी ओ और यहाँ पे आप पिक पॉइंट करें तो यहाँ पे ये यह बाउंड्री बन जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी है दोनों बाउंड्री, इसलिए मैं इसको रिक्रिएट नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने इसको ओके, अभी हमने ये बाउंड्री ये ट्रिम करनी है हमने। यहाँ पे मैं इसको सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ ओके, और यहाँ पे मैं हाइट सरफेस लेता हूँ, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ओके। और यहाँ पे ये जो है ये एक पॉलीगॉन जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और दूसरा पॉलीगॉन हमारा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ओके। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉरिडोर हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो अभी आप इसके ये वाली जो सरफस बनी है ये इनके सेक्शन से मैच करती है कि नहीं करती ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे इस सैम्पल लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सैम्पल मोर सोर्सेस, ये हमारी सरफस है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कैसे ऐड होती है ओके। यहाँ पे मैं इसका जो स्टाइल है कोई भी आप एक स्टाइल यहाँ पे असाइन कर दें ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे अपीयर हो गई है टॉप सरफस की। अभी आप इसको मूव करके देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेक्शन के ऊपर कैसे वर्क करती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओके। जैसे जैसे आप अपने सेक्शन को मूव करेंगे सैम्पल लाइन को, ये आपके साथ जो है वो यहाँ पे मूव ड्राइंग में मूव होती है आपको नजर आएगी यहाँ पे ओके। तो ये था कि अगर आपको सिंगल बेस लाइन में स्क्यूड कॉरिडोर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।